स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, किसकी बात हो रही है? बोथ फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना, इसकी बात कर रहे थे हम। अभी आपको स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का कोई एक केस दिखाएंगे और आपको बताना। देखिए सबसे पहले फंडामेंट, मैंने एक स्ट्रिंग बांध ली ऐसे, ये मैंने दो फिक्स जगह ले ली, मैंने कहा यार सबसे सिंपलेस्ट केस जो बनेगा वो ये वाला बनेगा कि रस्सी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे। इस समय फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी? v बाई लेमडा, लेमडा की जगह 2l, 1 अपॉन 2l अंडर रूट t बाई म्यू लिख सकते हो इसको। म्यू इज वॉट? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। t इज वॉट? टेंशन। l इज वॉट? अब यही स्ट्रिंग को अगर अगले मोड में वाइब्रेशन कराते हैं हम, तो हमको क्या दिखाई देता है कि इसमें दो नोड बनेंगे, है ना। तो इस बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा v बाई एल के बराबर, एंड यू नो इट इज नथिंग बट 2f नॉट। इसके अगले मोड में जाओगे तो कितने क्या हो जाएगा, तो कितना ऐसा केस बन जाएगा, ऐसा केस बन जाएगा, तो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 12, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाय 3, देयरफॉर f इज इक्वल टू v अपॉन 2l बाय 3, दैट इज इक्वल टू 3v बाय 2l, दैट इज इक्वल टू 3f नॉट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 3f नॉट के बराबर आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा अब सुनो एक बहुत खास बात, जो सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन होता है उसे हम कहते हैं टोन। क्या कहते हैं? तुमसे कभी किसी ने बोला कि जरा टोन संभालो अपनी? बोला नहीं? बोला तो तुमने कहा टोन संभालेंगे तो ओवर टोन में आ जाएंगे। तो ये कौन कह, ये क्या कहलाता है जी? टोन। क्या है ये? हल्लो, ये क्या है? टोन। इसको फंडामेंटल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हार्मोनिक भी कहते हैं, और क्या नाम है इसका? हार्मोनिक भी कहा जाता है इसको। दिस इज जो सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन होंगे उसे आप पुकारोगे किस नाम से? इधर टोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और हार्मोनिक। टोन के ले, 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 समझ लियो तुम पहले, फिर छाप लेना तुम तसल्ली से। रोटेशनल डायनामिक्स में नहीं मिलेगा ये सब। तो अभी ये, अभी टोन के बाद जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवर टोन। क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवर टोन। उसके बाद जो मिलेगा उसे क्या कहते हैं? अरे गजब, इसको कहते हैं सेकंड ओवर टोन। इसके बाद जो मिलेगा? थर्ड ओवर टोन, ठीक है। तो ऐसे मिलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, पहले समझ लो, फिर बाद में अब छापना। तुम लोग फुल छापने में कंसंट्रेशन कर दियो, हाँ ठीक है, कल कोई चिंता की बात नहीं, सुन लो, नहीं तो फिर भूल जाओगे, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। ये कौन है? टोन, फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है, ये कौन है? विकास कीजिए, कहाँ है? ठीक है, अच्छा देखो एक बात और सुनना, लेकिन ध्यान से सुनो, सुनो, ये टोन मिलेगा, टोन के बाद जो भी सबसे पहले मिलेगा उसे कहेंगे फर्स्ट ओवर टोन, उसके बाद सेकंड ओवर टोन, उसके बाद, ये बिल्कुल क्रम से चलता है। टोन के बाद जो भी मिलेगा, वट एवर इट इज कॉल्ड फर्स्ट ओवर टोन, उसके बाद, उसके बाद थर्ड ओवर टोन, ऐसे सीक्वेंस बनता चलेगा, है ना। लेकिन एक टर्म और यूज किया जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक का ये कितने गुना है? तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कुछ लोग, ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक। क्या पढ़ते हैं? ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक। ये क्या है फिर? अरे गजब, थ्राइस ऑफ हार्मोनिक। समझ रहे हो भाई साहब? तृतीय सन्नादि नाम है इसका हिंदी में। क्या नाम है? तृतीय सन्नादि, द्वितीय अधिस्वर, प्रथम अधिस्वर, द्वितीय सन्नादि। अरे तुम पहले बोलते थे हिंदी में, बता दिया करो। अच्छा हार, कहने लगे हमारा हिंदी भी गोल है, ठीक है। थ्राइस ऑफ हार्मोनिक, अब सर्दी लगना शुरू हो गई, हाँ पानी पत्थर खत्म, आइस वाटर था क्या?
आइस वाटर तो कहाँ खेला जाएगा, अंटार्कटिका में खेला। ठीक है चलो 15 सेकंड है छापने के लिए, आपके पास पूरा बोर्ड इधर पे कवर कर देना, वो फोटो भी दिखनी चाहिए। ठीक है बस 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 बस, हाँ ये थोड़ा और, थोड़ा सा घुमा दे और हल्का सा और नुक्की दिखाओ उसकी, नोड नोड नहीं दिख रहा, हाँ ये हुई ना बात, बस बस लिख लिया सबने। अरे ये भाई पुराना वाला तो है, ठीक है कोई घबराने की बात तो नहीं। हेलो लिख लिए सब लोग, डन। ठीक है भाई चलो, तो ये हो गया सबसे ना, रुक के कोई आज तक कहीं नहीं गया, उसे चल के जाना पड़ता है ना, रुक के कैसे जाएगा कोई, रुक जाओ सब्र करो, नहीं होता सब्र करो, ऐसा सब्र रखो, रखें कहाँ। ठीक है देखिएगा एक ध्यान से, अभी बोर्ड पर नजर रखना, आप देखो जानलेवा हमला हो चुका है। दिस इज अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है बताओ ये कौन सा ओवरटोन है, कौन सा ओवरटोन है, सिक्स्थ है, सेवेंथ ओवरटोन है, कौन सा ओवरटोन है, सिक्स्थ ओवरटोन है, सिक्स्थ। देखो इसको पहचानने का तरीका, अगर ये दोनों तरफ से फिक्स्ड है तो यहां पर ये इस तरह का शेप मिलता पूरी रस्सी में ऐसे फैल के, तो इसको कहते हैं टोन। इसके बाद जो मिलेगा ये कहलाएगा टोन, इसके बाद ये मिलेगा फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद ये जो मिलेगा सेकंड ओवरटोन, इसके बाद मिलेगा थर्ड ओवरटोन, इसके बाद मिलेगा फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन, इसके बाद ये हो गया सिक्स्थ ओवरटोन। हो गया कि नहीं, हार्मोनिक, हार्मोनिक कौन सा है, हार्मोनिक, तो आपने कहा देखो ये हार्मोनिक है, ये ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक है, ये थ्राइस ऑफ हार्मोनिक है, ये फोर्थ ऑफ हार्मोनिक है, ये फिफ्थ ऑफ हार्मोनिक है, ये सिक्स्थ ऑफ हार्मोनिक है, और ये सेवेंथ ऑफ हार्मोनिक है, तो कौन सा हार्मोनिक हुआ, सेवेंथ हार्मोनिक। समझ गए सब लोग, सेवेंथ ऑफ हार्मोनिक।